who swung an anti-alcohol movement from Bihar with red-making uniform to Pisa. The National Guru Library Mission has emerged as the largest institutional platform. इतनी बड़ी तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए दूर-दूर देश के लिए कुछ न कुछ करने के लिए हमेशा नई ताकत देता रहता है। संकल्प के धनी है, उद्यमशीलता तीन रूप में कैसे काम किया जाए, एक सामूहिक प्रयास कैसे किया जाए। मैं समझता हूं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को, मेरे हिंदुस्तान की गरीब माताएं बहनें जिनको शायद बहुत कम लोगों को पढ़ने का सौभाग्य मिला, सारी बाधाओं को पार कर दी। महिलाओं की ताकत देखिए, क्या कुछ नहीं समाज के सुबह से रात तक देखिए और कितना टाइम मैनेजमेंट परफेक्ट होता है। अपने परिवार का, गांव, समाज का जीवन बदलने के लिए उससे जो हो सकता है वो हमेशा करती। हमारे देश की महिलाओं में सामर्थ्य है और सफलता के लिए कुछ कर गुजरने की ताकत भी रखती है, संघर्ष करने का हौसला। जब भी महिलाओं का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ा है, और मैं मानता हूं कि महिलाओं के सशक्तिकरण में एक सबसे बड़ी बात होती है कि वो भाई लाख ग्राम पंचायतों में करोड़ों करोड़ों ग्रामीण गरीब परिवारों को तक पहुंचने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया। उन्हें सारी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया और मैं तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे काम कर रहे हैं उनसे आग्रह 9654 से 2014 हमारी सरकार बनने के पहले, अगर 2011 से 2014 तक जो कुछ भी प्रगति उनको देखे तो 5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और सिर्फ 50-52 लाख परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। हमारी सरकार बनने के बाद 2014 तक इस काम को प्राथमिकता दी गई, इस काम का महत्व माना गया। ट्रेनिंग से लेकर के फंडिंग और मार्केटिंग से लेकर के स्किल डेवलपमेंट में हर प्रकार की मदद की जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि देश भर के विभिन्न क्षेत्रों से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सदस्य आज हमारे साथ है। मैं फिर एक बार देश के आर्थिक विकास में भागीदारी करने वाले, परिवार के आर्थिक जीवन में योगदान देने वाले और नए नए तौर तरीकों से कम खर्च से काम करने वाले, टीम बना करके काम करने वाले सभी माताओं बहनों को सुनने के लिए मैं बहुत आतुर हूं। मैं चाहूंगा कि उनके अनुभव हम सुने और मैं सबसे पहले बिहार जाना चाहूंगा, पाटलिपुत्र जाना चाहूंगा और मैं वहां की हमारी बहनों से उनकी सफलता की गाथा सुनना चाहता। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ बताइए। नमस्ते भैया, मेरा नाम अमृता देवी है और मैं जीविका महिला कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड को कोषाध्यक्ष हूँ और खगड़िया जिला से आई हूँ। हम लोग एक गरीब परिवार के हैं। जो कि हम लोग को पहले स्थिति था, जो हम लोग के पास एक एकड़ जमीन था, 8-9 परिवार थे, उतना भरण पोषण नहीं हो पाता था। इसके लिए जब हम लोग जीविका आया तो हम लोग समूह में जुड़ के और लोन लेने लगे। तो पहले लोन हम 10,000 रुपया लोन लिए और लोन लेके हम खेत पट्टा पर ले लिए। खेत पट्टा पर लेके फिर उसी को उत्पादन करके हम धीरे धीरे ये लोन चुका दिए। फिर हम 25,000 रुपया लोन लिए गाय पालन करने के लिए और बकरी पालन करने के लिए। फिर हम गाय से दूध निकाल के और खेत को जो इनकम हुआ वो धीरे धीरे यह 25,000 रुपया भी हम कर्ज चुका दिए। फिर जब यह कर्ज चुका दिए तो फिर हम 30,000 रुपया लोन लिए और 30,000 रुपया लोन लेकर फिर हम एक किराना दुकान खोल दिए और उसी दुकान से फिर वह भी 30,000 रुपया भी हम चुका दिए। फिर समूह में हमको एक काम मिला AHRP पद पर, फिर उसमें हमको 2,000 पर मंथ मिलने लगा। फिर उसी से हम लोग कुछ परिवार सभी हम पहले से बहुत खुशहाल हो गए। बच्चे लोग को भी अच्छा तरह हम पढ़ाने लगे। नहीं आप हम अकेली काम करती हैं कि पूरा समूह काम करता है? आपका पूरा समूह हम लोग के इसी हमारे तरह बहुत ऐसी महिला है कि सभी महिलाएं काम कर रही है। नहीं कुल कितनी बहनें हैं आपकी टोली में? हम अभी जैसे हम लोग वहाँ पर है अभी 200 परिवार हैं एक गठन में। हमारे गांव में एक गठन बना हुआ है, उसमें हम 200 परिवार हैं। खेती से जुड़ा कोई काम करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सभी महिला हम लोग खेती से जुड़ा ही काम करते हैं। कैसे सभी क्या करते हैं? हम लोग जैसे हम लोग के क्षेत्र में मकई ज्यादा होता था और हम लोग को पहले जैसे कोई बेचने का कार्य करती हूँ और मैं 2-3 साल पूर्व से मिशन में जुड़ी हूँ। पहले मैं कुछ घर का कामकाज ही देखती थी, बस बच्चों को देखना, घर का कामकाज करना। तो मैं 12वीं तक पढ़ी लिखी थी सर, तो मुझे नहीं दिखा आती कि मैं कुछ रोजगार में रख सकती हूँ और मेरे परिवार को कुछ मदद भी कर सकती हूँ। तो मिशन में जुड़ने के बाद मेरे को जैसे अनुभव होते गए, प्रशिक्षण लिया तो मेरे को एक बैंक का मतलब ऐसी चीज जुड़ते गए तो बैंक में थोड़ा काम थोड़ा सर, तो बैंक में भीड़ ज़्यादा होने लगी। तो मिशन की तरफ से एक सही मॉडल तैयार किया गया जिसमें मेरी आर्थिक स्थिति शुरू से ही खराब थी। पापा के घर में मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। जब मेरी शादी हुई सर तो वहाँ पर भी मुझे बहुत दिक्कतें आई। मेरी 3 बेटियाँ हैं सर, मैं उन्हें पढ़ाना चाहती थी। मैं उनके पैरों पर खड़ा करना चाहिए ताकि वो अच्छी एजुकेशन लेकर अच्छी पढ़ लिख सके। उस पर मैं बहुत परेशान थी, मैं सोचती थी मैं कैसे कर सकूँगी। तो सर मुझे एक दिन आरसीटी का अवेयरनेस कैंप हमारे गाँव में लगा। वहाँ पर आजीविका की लेडीज है देखकर और मैंने उनके साथ वहाँ पर मुझे विभिन्न ट्रेनिंगों की जानकारी दी गई। उन ट्रेनिंगों से मैंने ब्यूटी पार्लर का चयन किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे उसमें ऐसा लगा कि कम इसलिए हम गाँव में काम करते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रही है। और भी कोई है आपके बताइए। मुझे मुर्गी साधन मिला तो मैंने समूह में जुड़ने के बाद छोटे सा पापड़ का बिजनेस शुरू किया। तो तब हम दोनों पति पत्नी ही काम करते थे, दोनों का खर्चे के साथ। लेकिन जब घर से 35,000 रुपये जो आता है तो हम जो 11 महिला है वो खुद हम बांट लेते हैं। और पहली बात ये सर कि मैं पहले अपने घर का 5,000 की खर्चा नहीं चला पा रही थी, अभी मैं 15,000 के घर पे चलाती हूँ सर। इसमें मेरे पति का बहुत ही सपोर्ट है सर। दूसरी बात है कि मेरे बच्चे अभी कॉन्वेंट में पढ़ने लगे हैं और मेरा जो समूह है वो बहुत ये प्रोडक्ट की वजह से बहुत ही जाना जाता है सर। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर ये इस अभियान को कि हमें ये नई दिशा दी, आगे जाने का, आगे बढ़ने का ये अवसर दिया। मुझे दुनिया भर में जो लिज्जत पापड़ पॉपुलर हुआ है, लिज्जत पापड़ कैसे शुरुआत मालूम है? हाँ सर मालूम है। क्या 8 बहनों ने शुरू किया था, 700 के 800 रुपए से शुरू किया था। इकट्ठा होकर के काम शुरू किया था और आदिवासी महिलाओं ने काम किया और आज दुनिया भर में उसका नाम हो गया। ये ताकत है इसकी। हाँ सर। और अभी हम ये जो है पालक, ये टमाटर के फ्लेवर के पापड़ है, इसमें चावल का आटा है। ये बीट के पापड़ है, इसमें भी चावल का आटा है। ये पालक के पापड़ है, इसमें भी चावल का आटा है। ये हमारे वर्धा जिला की जो वायगा हल्दी है इसका भी हमारा बिजनेस है। हम जो महिला को भी वर्धा की मिलके जो समूह की महिला है वो मिलके बनाते हैं। सरकार खरीदती है इस चीजों को। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी और महिलाएं आज हमारे साथ हैं, आइए उनसे भी कुछ बातें सुनते हैं। नमस्ते गुजरात, नमस्ते नमस्ते खेड़ा, हाँ बोलो जी। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम नमस्ते अजीत सिंह राठी गुजरात। बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर इधर आ जाइए, सामने रहेंगे आंखों के। क्या लग रहा था आप लोगों को? सजा लग रही थी या अच्छा लग रहा था? अच्छा लग रहा था, नया सुनने को मिला और कुछ नई दिशा जो देखी है जी, प्रैक्टिकल अच्छा अनुभव है। ये एक जगह बैठे बैठे पूरे देश का अनुभव हो गया। रूरल एरिया में कैसे लोग काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? रोहित। आप कहाँ से हैं? अजरपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बैठे बैठे सारे देश का, कई जगह का भ्रमण हो गया और भले ही हमारी हम लोग अभी मन में कई लोगों के कुछ होगा, कुछ अपनी प्रॉब्लम होगी, हम लोग बात करेंगे अभी। लेकिन हम जैसे लोगों को भी जो लोग रोज इतने लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस नया ही है। कितने लोग कश्मीर के लोगों में कुपवाड़ा के लोग बैठे थे, और हम तो समाचार रोज यही सुनते हैं मीडिया में ना कि यहाँ गोली मार दी गई, यहाँ पत्थरबाजी हो गई, लेकिन ये समाचार तो किसी ने दिखाया नहीं। और वो फेक तो नहीं हो सकता, कम से कम वहाँ 15-16 महिलाएं बैठी हैं, तो 15-16 परिवार होगा। एक परिवार में 5-6 लोग भी समझ लीजिए, तो इसका मतलब ये दूसरा पक्ष है कश्मीर का, कुपवाड़ा का। अभी हम लोग कुपवाड़ा सुनते हैं, मतलब लगता है कोई आतंकवादी घटना हो। भैया जमजम, जमजम जी, मोहम्मद जमजम। ये जमजम तो बड़ा फेमस नाम है। जमजम जी मतलब सऊदीया के अंदर जो मक्के के अंदर पानी है उसका नाम जमजम है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो स्वयं समूह योजना के तहत काम कर रहे जो लोग हैं अलग अलग राज्यों में, उनसे डायरेक्ट बात किया कई ग्रुप से प्रधानमंत्री जी ने। और ये नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा नया एक पॉजिटिव स्टेप उठाया है कि हम सब हैरान हैं कि देश का प्रधानमंत्री डायरेक्टली उनसे बात कर रहा है जो गांव में रह कर के ईंट बनाने का कारोबार करते हैं, जो बकरी के दूध से पनीर बनाते हैं, बकरी के दूध से साबुन बनाते हैं। वो अपने छोटे छोटे उद्योगों से समूह को भी और खुद को एम्पावर कर रहे हैं हम महिलाएं। तो मैं समझता हूँ इसको हम सबको देखना एक ऐसी प्रेरणा है कि स्वयं में एक पॉजिटिविटी के साथ हम और भी मन में व्रत लेकर के इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के ये जो स्टेप्स हैं जो उन्होंने किए हैं, अब वो लोगों को बता रहे हैं। तो आप एक लाइन में कहें तो पहली बार ऐसा एक प्रधानमंत्री है देश का जो कि अपने कार्यों की जनता को रिपोर्ट दे रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अ रिपोर्टिंग टू पीपल ऑफ इंडिया रिपब्लिक। तो मुझे खुद ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इतनी आबादी में मैक्सिमम लोगों तक अपनी बात पहुंच जाए, इसके लिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जब भी ऐसे लाभार्थियों के लिए लाइव हों तो हम सबको उसको देखना चाहिए। उससे घर बैठे बैठे बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती। सर, इस जिस ढंग से मोदी जी आज एंकरिंग कर रहे थे, आम जनता से बात कर रहे थे, इसमें भी विपक्ष को राजनीति दिखती है, कैसे दिखती है? देखिए, आप जिस ऊंचाई को छू ही नहीं सकते उसके महत्व को कम करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये तो जो बाकी लोग हैं इस देश की राजनीति में, जिनकी पार्टियों ने 55 साल राज किए हैं देश पे, और जो 10 साल तक पन्ने भी फाड़े हैं इस देश में प्रधानमंत्री के आदेशों के स्वयं अपनी आँखों के सामने, उन लोगों की ये सोच ही नहीं है कि हम इस तरह से कैसे सबसे ज़मीन के लोगों को एम्पावर करें। मुझे लगता है जो जो ये कार्यक्रम देखा होगा, दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति भी, बॉम्बे बैठा हुआ, कलकत्ता बैठा हुआ, बड़े बड़े महानगरों में, उसको भी ये फील आएगा कि यार काम तो अच्छा हो रहा है। तो मैं आप सब मीडिया से भी निवेदन करूँगा कि एक ऐसी परिपाटी चलनी चाहिए जिसमें मीडिया भी इन कार्यों को दिखाए। हर चैनल पे अब कम से कम जो 18 घंटे न्यूज़ चलती है, उस 18 घंटे में कम से कम 4 घंटा अगर पॉजिटिव न्यूज़ को समय दिया जाए तो हमारा देश का मन मस्तिष्क बहुत अच्छा हो सकता है। सर,